Hello everyone, welcome to Apti Plus Editorial Analysis. So in this session we'll understand the important editorial from the Hindu as well as from the Indian Express. So we'll try to understand that both newspapers have been editorial in your prelims and mains examination, how is it helpful, right? So let's start. And before starting, I'll tell you that Apti Plus has brought you 24/7 online support course. So basically what we're trying कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसकी आपकी प्रिपरेशन हैम्पर ना हो तो प्रीलिम्स एक्सप्रेस के नाम से कोर्स है विच यू कैन अवेल एंड यू कैन फाइंड द बुक दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंस्टा मौजूद. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हो. आप वीडियो लेक्चर्स वाले कोर्स भी ले सकते हो, सिर्फ बुक वाले भी ले सकते हो. द टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट? सो दिस इज़ अ राइट टाइम दैट यू डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द लॉकडाउन एंड स्टे फोकस विद द प्रिपरेशन. नाउ मूविंग अहेड विद द टुडेज़ एडिटोरियल लिस्ट. सो टुडेज़ 9th of April, or in depth analysis, that is break the food lockdown. So this is the important one. Now talking about the MCQs, so there will be MCQs and explanation, right? So yahan pe ek main aap logo ke advice, matlab basically I want the opinion from you people as well. So hum log kya karenge MCQs mein? So I'll be giving the question and next day we'll have the discussion, right, of the answer. So in meanwhile, what do you have to do? Kal humne कुछ लोगों का आंसर भी हमें मिला है यूट्यूब चैनल पे. सिंसियरली थैंक यू फॉर पोस्टिंग योर आंसर एंड कमेंट ऑन दैट. आई एम रियली थैंकफुल दैट आप लोगों ने उस चीज़ों को एड्रेस किया है. तो अब से हम लोग ऐसा करेंगे, व्हाट यू विल बी डूइंग दैट एवरी डे विल बी पोस्टिंग द क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट डे विल बी पोस्टिंग द आंसर, राइट? तो आज जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर में कल क्या करूँगा. अगर इसमें कुछ आपके सुझाव है, इफ़ यू वॉन्ट एनी चेंजेस, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड देर विल बी अ मेन्स क्वेश्चन ऑल्सो, सो दिस वुड बी डायरेक्टली लिंक टू द इन डेप्थ एनालिसिस दैट इज़ फॉर द डे, राइट? And other important editorial list is Hindu. From Hindu we have needed greater centralization of power, financing a pandemic and the rescue package, it's time for red resets. Okay, and Indian Express say command to confidence and fill the gap test. So these are some of the important editorial. So aaj total jo hai wo 6 editorial hai jo main aapke sath discuss karunga, right? So first starting with the in-depth analysis, break the food lockdown. ये बेसिकली मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है एंड दिस इज़ वेरी रेलेवेंट. हिंदू से जितने एडिटोरियल थे उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल मुझे लगा मुझे. सो दिस इज़ अगेन रेलेवेंट फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 2, वेयर रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड द सेम टाइम फूड स्टॉक एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इशूज कैन बी इंपॉर्टेंट इन जनरल स्टडीज़ पेपर 3 एंड सम ऑफ द फैक्ट्स विच इज़ गिवन कैन अगेन बी यूज इन द ऐसे पेपर एज वेल. सो ये तीनों का कम्प्रीहेंसिव ये है जहाँ पर तीनों चीज़ की जगह पर आप इसको यूज कर पाएंगे, राइट? नाउ व्हाट दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट, सो द एंटायर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द फूड स्टॉक एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट. सो द वॉट एवर द फूड स्टॉक वी हैव सरप्लस फूड स्टॉक विद द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, बट द रियल थिंग दैट इज नीडेड इज द पुश एंड द राइट स्ट्रैटेजी टू एग्जीक्यूट इट, फाइन? सो विल सी वॉट आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस एडिटोरियल. सो टॉकिंग अबाउट द फूड स्टॉक एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट द सेंट्रल हैज अनाउंस the packages which is being announced. So according to the editor, he said this is not inadequate because the labor force which would be benefited, the benefits which is being given to the labor force is not being adequate. So what government announced, like basically doubling the ration, fine. So 5 kgs was doubled to 10 kgs and again 1 kgs of pulses were there, fine. So these are were there, and a relief package was, you know, given a seriousness of the package would again include releasing excess stock in the state quantities. So first and the foremost thing they have asked in this editorial that we already have the stock with the Food Corporation of India, but the thing that is needed is that these stocks need to be mandated with the state government as well. तो राज्य सरकार के पास पहले अगर चीज़ें मुहैया होंगी नहीं तो वो PDS में लोगों को देंगे कैसे, राइट? दिस इज़ अ बिग चैलेंज. Now it is well known fact that the country has large food stock. I'll give you the data later on. We'll discuss the data kitna hamare paas stocks hain, and some could also be used to protect the people from the hunger during the time of this coronavirus epidemic and the lockdown. So is time pe jo hamare stocks hain usko use karne ki zarurat hai, and it should be used at any cost, right? Whatever subsidies, agar kuch impact bhi hoti hai hamare stocks mein, then also life of the people should be saved first. This should be the first priority for any government. And food schemes like PDS and midday meal are in place. They are mostly in the place with the villages and the panchayat and the state level and the district level. But it is a matter that they need to be reinforced and rightly executed by the authorities. Fine. Now coming to the read petition that was filed regarding the food stock. इससे पहले ऐसे चीजें हुई हैं जहाँ पे basically एक NGO है, basically People Union for
सिविल लिबर्टीज, उन्होंने रीट पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दे हैव आस्क द कंट्री गैजेटिक फूड स्टॉक जो है हमारे पास दैट शुड बी यूज फॉर पब्लिक वर्क एंड अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. सो दिस वॉज फॉर विच द रीट पिटिशन वॉज फाइल्ड. सो इन दैट दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेव द वे फॉर द इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स. जो ये PIL रीट पिटिशन फाइल की गई उसकी जो रिजल्ट आए वो काफ़ी अच्छे थे, जहाँ पर सरकार ने फिर माना कि जो मिड डे मील्स है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसको PDS भी कहते हैं, उसमें भी रिफॉर्म लाया जाए. और लेटर ऑन वी हैव कम अप विद द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको NFSA भी कहते हैं. तो दीज थिंग वेर लिंक्ड एंड द स्टॉक पाइल विच वॉज देयर विद FCI वॉज अगेन बींग यूज हेयर. फाइन, नाउ दीज फूड स्टॉक वर बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम 50 टू 60 मिलियन टन ऑफ द राइस एंड वीट एवरी ईयर. सो दीज डेटा आर अगेन रेलिवेंट फॉर ASA और इस तरह के जो मेन्स एग्जामिनेशन आप जनरल स्टडीज पेपर 3 में अगर लिखोगे तो ये सब पॉइंट्स आप जरूर वहाँ पे लिखना. नाउ टॉकिंग अबाउट द फूड स्टॉक दैट येट टू कंटिन्यू टू बिकम द प्रोक्योरमेंट लेवल हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. जो प्रोक्योरमेंट था उसका जो प्रोसीजर, उसका जो लेवल है, उसके जो क्वान्टिटी, उसमें भी इंक्रीज आई है. वो मैं आपको बताऊँगा आगे कितनी नंबर हमारे पास अभी क्या है. अगर फूड ग्रेन स्टॉक की बात करें विद FCI दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो अगर लास्ट जून की बात करते हैं 2019, सो हम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जून 2019, तो जो फूड ग्रेन की जो स्टॉक थी दैट हैज़ क्रॉस्ड 80 मिलियन टन्स. आपने देखा पहले इनिशियली जब PIL फाइल हुई थी तो 50 मिलियन टन के आसपास थी, 50 टू 60. नाउ इट हैज़ क्रॉस्ड 80 मिलियन टन एंड दिस वॉज मोर देन द 3 टाइम्स देन द बफर स्टॉक विच वॉज ऑलरेडी इन द नॉर्मल कंडीशन. तो जो हमारे पास अगर X थी तो उसका अभी हमने 3 टाइम ऑलरेडी कर लिया था. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ईयर स्पेसिफिकली आई मीन 2020, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दे हैव रीच द स्टेरिंग 77 मिलियन टन्स, ठीक है, इन मार्च बेसिकली, बिकॉज अभी रबी की हार्वेस्ट होनी है. वंस दिस गेट हार्वेस्टेड जो स्टॉक्स है दिस वुड इंक्रीज मोर देन दिस वुड बी क्लोज टू समवेयर, अगर आप कर सकते हो तो 83 से 85 के आसपास चला जाएगा ये. फाइन, सो दिस वुड बी द स्टॉक ट्रॉपिकली बाय 20 मिलियन टन और सो. तो अगर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, बात तो इसमें कही गई कि 20 मिलियन के आसपास जानी चाहिए, बट देन ऑल्सो जिस तरह से हार्वेस्ट सीजन अगर डिक्रीज होती है तो समवेयर ऑन अ सेफर साइड व्हाट वी कैन डू, हम 19 मिलियन टन ड्रग्स को रख सकते हैं. फाइन, सो दिस इज द अनदर कंसर्न जो अभी रबी हार्वेस्ट है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो लेट्स सी हाउ दिस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, बिकॉज जो पंजाब और जो बेसिकली हरियाणा, ये जो स्टेट्स हैं उनके पास अभी लेबर नहीं है कि वो उस चीज़ को हार्वेस्ट के लिए आगे बढ़ सके, उस पर वो कदम उठा सके, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस वुड दीज हार्वेस्ट सेशन वुड बी विटनेसिंग. नाउ मूविंग अहेड विद द केस स्टडी एंड द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द झारखंड. एक केस स्टडी के तौर पर यहाँ पर चीज़ें बताई गई, आपने एडिटोरियल को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिलेगी. सो द केस स्टडी हैज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ द PDS, राइट. PDS में हुआ क्या, जो सबसे पहले जो राशन कार्ड की जो प्रॉब्लम थी, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द राशन कार्ड एप्लीकेशन ऑफ द 7 लाख हाउस होल्ड. सो 7 लाख लोग ऐसे थे जो बेनिफिशियरी है, उनके राशन कार्ड ही नहीं बनी हुई है. फाइन, इंक्लूडिंग द पुअर वन. नाउ व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डू, सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंट अंडर दिस रिलीफ पैकेजेस. गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट को कुछ वैसे जो पैकेजेस दिए हैं एक स्पेसिफिकली रिलेटेड टू PDS, जहाँ पे और चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए वो नहीं है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट की अगर बात करें, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम फूड इन द एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड, ठीक है, टू, जैसे अगर FCI की बात करें तो शो कॉल्ड जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो वेल मार्केट प्राइस है, अगर उनको खरीदना है तो वेल मार्केट प्राइस पे उनको परचेज करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, राइट. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिलीज मोर फूड एंड स्टॉक टू फ्री द स्टेट, जो नॉमिनल प्राइस है उसके अबव एलोकेशन करके, ताकि जो जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना स्टॉक चाहिए हर स्टेट से, क्या होना चाहिए, स्टॉक मांगा जाना चाहिए कि वॉट इज़ योर रिक्वायरमेंट, हाउ मच फूड डू यू रिक्वायर टू कम्प्लीट टू फुलफिल द PDS रिक्वायरमेंट, राइट. सो दिस शुड बी कमिंग फ्रॉम द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट. एंड देन देर इज अ स्पेशल फूड कोटास दैट शुड नॉट बी यूज टू इन्हांस द मंथली राशन एंड रिड्यूस द एक्सक्लूजन error in the PDS. Fine. So ultimately we need to revamp the PDS system. At the same time this would require the right administration and reachable. Basically अगर PDS counters खुले हुए हैं तो लोगों को सही तरीके से मुहैया कराने की भी ज़रूरत है. इसमें अगर मैं साउथ कोरिया का एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ, जहाँ पे हाइपर मार्ट में लोगों ने क्या किया कि
उन्होंने ऑड और इवन नंबर से लोगों को बुलाना शुरू किया कि डेट ऑफ बर्थ जिनके ऑड इवन थे उस हिसाब से उस दिन उनको बुलाया जाता था. सो दीज थिंग्स नीड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड. कुछ प्रैक्टिसेस ग्लोबल प्रैक्टिसेस हम इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई अगर नहीं तो अल्फाबेटिक वाइज किसी के नेम वाइज की जो अल्फाबेट है उससे उसके हिसाब से बुला सकते हैं. सो दीज वेर बट सी अगेन द प्रॉब्लम अराइजेज इन इंडिया. सो वी कैन लुक फॉर द सोल्यूशन कि किस हिसाब से हम आगे बढ़े, क्योंकि सब लोगों को एक बार में फूड देना मुहैया कराना भी इंडिया जैसे कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हैं और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है पीडीएस स्टोर्स की वो काफ़ी कम है. राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द लूपहोल्स इन द रिलीफ पैकेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अभी जैसे अमाउंट जो दिया गया है सरकार की तरफ से दिस इज़ वेरी लेस. दे आर ओनली प्रोवाइडिंग 500 रुपीज़ पर मंथ. ओके, एंड दिस इज़ फॉर 3 मंथ अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना. फाइन, जो जनधन अकाउंट्स होंगे उनमें पैसे दिए जाएंगे बेसिकली. एंड मेनी पुअर्स हाउस होल्ड हैव नो ऑपरेशनल PMDY अकाउंट, बिकॉज जो अकाउंट खुली थी उसमें इट वॉज बींग मैंडेटरी कि 1000 रुपीज़ आपको रखना होगा. तो बहुत सारे अकाउंट ऑलरेडी अभी भी डीएक्टिवेटेड हैं, तो उन अकाउंट्स को कैसे सरकार क्या करेगी? बैंकिंग सिस्टम क्या इतनी दुरुस्त है कि सारे लोगों को फिर से पैसे मिलेंगे एंड दे वुड बी एबल टू टेक आउट द कैश? एंड द अनदर चैलेंजेस वुड बी इज़ टू इशू द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश इन दिस क्राइसिस. बिकॉज सी अगर बैंकिंग करस्पॉन्डेंस की बात करें तो वो भी अभी काम नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो ही कैन इन्फेक्ट द एंटायर विलेज. राइट, सो एग्जीक्यूटिंग द विड्रॉवल ऑफ द कैश, अगर पैसा आपने दिया है वो उसके बैंक अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, अगर आपने 500 रुपीज़ दिए हुए हैं और ये बैंक अकाउंट में ही लॉक्ड हो गए एंड दिस इज़ नॉट कमिंग आउट, देन देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ गिविंग द कैश एज वेल. फाइन, नाउ टॉकिंग टू द वे फॉरवर्ड, वट वुड बी द इम्पॉर्टेंट वे फॉरवर्ड. देखो जो फूड है, रिलीजिंग फूड वुड बी द मोर क्रूशियल एज एन इमरजेंसी कैश ट्रांसफर बाय प्रपोज जो फिनांस मिनिस्टर ने कहा है. तो अभी ज़रूरत है कि सारे लिमिटेशंस को हटा करके सारे स्टेट गवर्नमेंट को जो प्रॉपर जो फूड स्टॉक है उसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. राइट, एंड अ सीरियस रिलीफ पैकेज वुड ऑल्सो इंक्लूड रिलीजिंग द एक्सेस स्टॉक टू द लार्ज स्टेट क्वांटिटीज, जितनी ज़रूरत है उनको एक बेसिकली हर स्टेट से डेटा मांगा जाए कि आपको कितनी ज़रूरत है और वो सारी चीज़ों को मुहैया कराए, जो हमारी लॉजिस्टिक्स हैं उसको भी सही तरीके से वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है. राइट, क्योंकि अभी देखा यह गया है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने बहुत चीज़ों को ईज़ किया है. एंड सी अनटिल अनलेस वी हैव गुड लॉजिस्टिक्स वी कैन नॉट प्रोवाइड PDS टू ऑल द स्टेट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. फाइन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट अनलॉक द गोडाउंस टू गिव द प्लेंटी आउट ऑफ द फूड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस वुड अगेन बी वेरी एसेंशियल कि जो गोडाउंस लॉकडाउन किए गए हैं, जो गोडाउंस बंद पड़े हुए हैं उनको खोल करके वहाँ से फूड्स राइट जगह पहुँचे ताकि उसका जो बेनिफिट्स है वो सिटीजन ले पाएँ. फाइन, नाउ इसी पे एक मेन सवाल है जो आपको आंसर करना है. वी आर रिसीविंग क्वेश्चंस एज वेल, तो वी आर इवेल्युएटिंग एंड रीसेंडिंग टू द पीपल फ्रॉम होम वी हैव रिसीव्ड. तो आई रियली अप्रिशिएट दैट यू पीपल आर पार्टिसिपेटिंग. तो आज का जो सवाल है दैट इज़ हाउ शुड द गवर्नमेंट इंश्योर दैट द फूड सिक्योरिटी इज़ प्रोवाइडेड टू एवरी BPL फैमिलीज. सो डिस्कस, आप जो अभी अपने हमने जो डिस्कशन किया है उससे चीज़ें पॉइंट्स ले सकते हैं और आप थोड़ा खुद भी सर्च करके पॉइंट्स को ऐड करें. राइट, सो डू राइट योर नेम एंड कन्वर्ट द बेसिकली फाइल इन द PDF फॉर्मेट. जो आप पिक्चर क्लिक करेंगे उसको हमें PDF फॉर्मेट में सबमिट करें ताकि इवैल्यूएशन आराम से हो पाए. राइट, जो व्हाट्सअप का नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और आप हमें भेज सकते हैं अपने आंसर लिख करके. Now coming to the Hindu, there are important editorial that was there. So these two I'll be discussing and these one I'll be discussing. So these are again the same repetition of the content which we are discussing on the daily basis. So first talking about the need greater and decentralization of power. So this talks about the decentralization of power and what crucial role can be played by the chief minister across the India. So it is very essential to have cooperative federalism. जो अगर CF की बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अभी दिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड इवन बिफोर द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इन्वोक द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 द स्टेट गवर्नमेंट मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी ट्रिगर्ड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897. तो सरकार ने जब से प्रिकॉशन मेजर्स लेने शुरू किए उससे पहले कई राज्य सरकारों ने इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया. अगर कुछ मैं स्टेट्स की बात करूँ, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान एंड कर्नाटका, दे हैव ऑलरेडी स्टेप देयर पॉलिसीज टू एड्रेस द डायरेक्ट एंड लोकल कंसर्न. फाइन, बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट मस्ट अंडरस्टैंड वॉट इज इंडिया फेडरलिज्म एंड वॉट इज द नीड ऑफ द डिमांड, वॉट इज द नीड ऑफ द आर, वॉट इज द प्रेजेंट डिमांड, ये समझना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में जो सारी चीज़ें बताई गई है उसको
जीवित रखना, उसको बरकरार रखना बहुत अहम होगा. आपको पता होगा पॉलिटी में जो सेवेंथ शेड्यूल है दैट डील्स अबाउट द बेसिकली यू नो एवरीथिंग टॉकिंग अबाउट द स्टेट लिस्ट, ओके, द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट. फाइन, सो एवरीथिंग इज डिस्कस्ड कि कौन कौन सी चीज़ें किस लिस्ट के अंदर आएगी, सेवन शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी है. मतलब जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सारी चीज़ों को हमें बरकरार रखने की ज़रूरत है, राइट. सो दिस वुड बी वेरी एसेंशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जो सेवन शेड्यूल के जितने भी लिस्ट हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा सके बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो टोटल है, अगर मैं यूनियन लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 लिस्ट आते हैं. स्टेट लिस्ट में वी हैव ऑलमोस्ट 66 लिस्ट दैट इज अंडर द स्टेट ज्यूरिसडिक्शन और कंकरेंट में वी हैव 47, राइट. सो दीज आर द नंबर. ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपके ध्यान में रहे कि कितनी सारी चीज़ें यूनियन के अंदर है, कितने स्टेट्स के अंदर और कितने कंकरेंट के अंदर. कंकरेंट में बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट द लॉज, फाइन. एंड सुप्रीम कोर्ट ने SR बुमाई के इसमें आपने देखा होगा जहाँ पे एक मियर अपेंडेजेस ऑफ सेंटर कहा था, एंड टाइम एंड अगेन इट वॉज रियलाइज दैट द सेंट्रल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट इन देयर एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली. सो अभी जिस तरह से कोरोना वायरस की जो क्राइसिस है, यहाँ पे ज़रूरत है कि एक पूरा तरीके से डिसेंट्रलाइज किया जाए पावर को और स्टेट को ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपने जो हित में है स्टेट्स के लिए, जो दैट इज मोर बेनिफिशियल टू द सिटीजन ऑफ द स्टेट, सो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करे, ना कि दे शुड बी अंडर द गाइडेंस और डायरेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. इट इज़ बेस्ट फॉर द स्टेट. हर स्टेट की ज़रूरत है अपने हिसाब से. तो राज्य सरकार को ये पावर दिया जाना चाहिए कि भाई आप अपने हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लें. दिस एपिडेमिक शुड नॉट बी अगेन अ चेन जो है उसको, ट्रांसमिशन को उसको तोड़ना है. अभी जैसे आपने यूपी में देखा गवर्नमेंट ने 15 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको लॉकडाउन किया है. वेस्ट बंगाल में भी लॉकडाउन चल रहा है. बेसिकली उड़ीसा में भी ऑलमोस्ट 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर लॉकडाउन की गई है. सो दिस इज़ अगेन फ्रॉम द उड़ीसा. तो ये सारे स्टेट अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं एंड यही अभी समय की ज़रूरत है, राइट. Now coming to the financing and the pandemic rescue package, this is again important for the general studies paper 3, exclusive growth and issues arising from it. तो यहाँ पर बात की गई है जो प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडिया की, दैट इज़ टू इंश्योर टू ओवरकम द COVID-19, जो COVID-19 उसके जो पैंडेमिक है उसको पहले ख़त्म किया जाए, उसको पहले पूरी तरह से कंट्रोल में किया जाए, देन वी कैन क्विक स्टार्ट द GDP ग्रोथ रेट एंड अदर प्रॉब्लम विच इज़ देयर इन द मैक्रो इकोनॉमी टर्म्स. जो अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें सो दैट इज़ क्लोज टू 7.49. ये आगे और बढ़ सकता है, कोई बात नहीं. जो हमारे टारगेट्स हैं वी कैन अचीव इट लेटर ऑन. एंड इनडेपनेस की अगर बात करें दैट इज़ क्लोज टू 69% ऑफ द GDP. एंड 21-day लॉकडाउन में जो रिलीफ पैकेज सरकार ने दिया दैट वॉज क्लोज टू 1.7 लाख करोड़ रुपीज़. सो इंडियन गवर्नमेंट मस्ट इशू GDP लिंक्ड बॉन्ड. ये इस आर्टिकल में की गई है कि इसके अलावा सरकार जो GDP लिंक्ड बॉन्ड है वो ला सकती है. दे कैन एक्सेस द लिक्विडिटी ऑफ द PSU, जो PSUs में जो लिक्विडिटी है उसको मोनिटाइज करके नॉन एसेट्स के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है. एंड दे हैव सजेस्टेड दैट स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द PSE, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ओके, उसमें जो 15 लार्जेस्ट नॉन फिनेंशियल सेंटर PSEs हैं उनके SPs को डिस्ट्रीब्यूट करके 75% जो टारगेट्स हैं, लगभग 48,256 करोड़ रुपीज़ उसके डिविडेंड जनरेट किए जा सकते हैं. जैसे सरकार ने पहले BPCL को या हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बहुत सारी चीज़ों को डी इन्वेस्ट किया है, तो उसी क्रम में और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लिए जा सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द लिक्विडिटी स्पेशली इन द मार्केट, बिकॉज अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो दैट वुड अगेन लीड टू द इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के वजह से दैट वुड बी अगेन कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉब्लम दैट एन इकोनॉमी कैन फेस. तो उसी के लिए सॉल्यूशन के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 1 लाख करोड़ टू कैरी आउट द लॉन्ग टर्म रेपो रेट ट्रांच किया है एंड जो रिड्यूस की है रेपो रेट बाय 75 basic points, ताकि जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे ड्यूरिंग दिस द टाइम ऑफ COVID-19 पेंडेमिक. और यहाँ पे मैं आपको एक फिगर, एक डेटा दिखाना चाहूँगा जो आज के हिंदू में ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा. तो दीज आर सम ऑफ द डेटाज दैट गवर्नमेंट कैन मैंडेट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू ट्रांसफर देयर नॉन कोर प्रॉपर्टीज ऑफ द होल्डिंग कंपनीज. तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप नज़र मार लेना कि क्या क्या चीज़ें किस किस के पास, नेम ऑफ जो PSEs है उनके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स क्या है, कैश और इक्विवेलेंट्स क्या है, नॉन ऑपरेटिव एसेट्स कितने हैं और स्टैट्यूटरी पेमेंट ड्यूज कितने हैं, राइट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दैट इज अ टाइम बाउंड ऑफ द रेट बिरिट्स. बेसिकली बिरिट्स के बारे में बात की गई है. बिरिट्स एक
कैप होती है जिस जो मिलिट्री पर्सनल यूज़ करते हैं, तो ये इंडियन इकोनॉमीज एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट में चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है. जो फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस है दैट हैज़ टू बी देयर इन द वॉर फुटिंग एंड वर्ल्ड नीड अ स्पेशल यूएन फोर्स टू ओवरकम द कोविड-19. तो यहाँ पे बताया गया कि वी नीड अ कंपोजिट फोर्स, एक हमें कंपोजिट फोर्स की ज़रूरत है, एक मैसिव सैनिटाइजेशन टेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग द बेसिक सपोर्ट सिस्टम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेट एंड कंट्री एंड इवन द मोस्ट पावरफुल नेशन आर नॉट कैपेबल टू कोप अप. अगर मोस्ट कैपेबल की मैं बात करूँ तो US, ओके, चाइना ने अभी वुहान सिटी ओपन किया है फिर से, एंड यूरोप में भी उस तरह से मिड जो कंट्रीज हैं बेसिकली ब्रिटेन, तो ये सारे कंट्रीज विद आर नॉट एबल टू कोप अप, दे हैव सम ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, राइट. और जो यूएन की जो यूएनएससी की जो चार्टर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो चार्टर है, चैप्टर 7 में ये चीज़ें कही गई है कि यूनाइटेड नेशन शुड होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग टू ऑथोराइज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू पुट टुगेदर द यूएन चैप्टर ऑफ 7 एंड द यूएन चार्टर, फाइन. और यहाँ पे जो बेसिकली आपने ये देखा होगा जो रेड बीरेट्स की बात की गई है, तो बेसिकली जो फोर्सेज हैं जो यूएन सिक्योरिटी फोर्सेज उसको ब्लू बीरेट्स कहते हैं क्योंकि वो ब्लू कैप यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल होंगे द कलर दैट शुड बी गिवन टू देम वुड बी रेड एंड दे वुड बी कॉल्ड एज द रेड बीरेट्स, फाइन. एंड कोविड-19 हैज़ रिलेटिवली प्रॉस्पर रीजन इन द वर्ल्ड विच हैज़ गिवन द स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द हेल्थ सिस्टम. तो ज़रूरत है कि एक स्टेबिलिटी लाया जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सिस्टम में और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए, एक कंपोजिट फोर्स बनाया जाए जो कि कोविड-19 में मदद कर सके, राइट. नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल बेसिकली फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, तो यहाँ पे मैं आपके साथ दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो डिस्कस करूँगा. दिस वॉज डिस्कस इन द इन डेप्थ एनालिसिस, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ फिल द गैप्स, और ये दिस इज अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट सो आई एम नॉट डिस्कसिंग. सो द फर्स्ट वन इज फिल द गैप इन द टेस्ट. तो यहाँ पे बात की गई है जो टेस्ट है दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू कंटेन द पेंडेमिक. सो टेस्ट इज द ओनली वे वंस वी नीड टू आइडेंटिफाई द पीपल एंड नीड टू आइसोलेट देम एंड क्वारंटीन देम. सो दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल थिंग दैट वुड बी रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है उसके बारे में जिक्र की गई है जो 1992 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा. सो दीज मिनिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपसे प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट. सो दिस वॉज द एपेक्स बॉडी टू सजेस्ट कि वॉट एग्जैक्टली इज द किस तरह से जो वायरोलॉजिस्ट डायग्नोस्टिक है या फिर जो माइक्रोबायोलॉजी में जो चीज़ें करनी है, जो बायोथेरोपेटिक्स हैं वो कैसे काम करेगी और किस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो काम करती है इन इवेंट ऑफ पैंडेमिक. तो अभी के लिए जो प्रेजेंट में जो चीज़ें टेस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है दैट इज़ अ PCR टेस्ट. तो PCR टेस्ट के बारे में भी आप ज़रूर पढ़ लेना बिकॉज दिस अगेन कैन बी इंपॉर्टेंट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. PCR अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. And this is for detecting the genetic material of the virus that determines some of the infection in the COVID-19. And some of the countries have also tested many people positive. तो जहाँ पे जो symptoms इस तरह के दिखाए गए हैं उनको लोगों को identify करके isolate भी किया जा रहा है, उनको quarantine भी किया जा रहा है, right? And बात करें अगर antibody test की, so this is the best to calculate the number of the people who have experienced the COVID-19. So these are the two important tests that is done through the PCR test and the antibody test. और एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन विद द एक्सपर्ट कैन हैव अटेंशन विद कंजक्शन ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल दैट इज़ नीड टू बी सेटअप. जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है इसके तरफ जो चीज़ें और उसको कैसे रिवैम्प किया जा सकता है वो चीज़ वो देखने की ज़रूरत है. एंड टेस्ट इज़ द ओनली वे, फाइन. सो टेस्ट, आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट मेथड्स विच WHO हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड. बेसिकली WHO ने भी कहा था कि आप इस तरह से ही इस पेंडेमिक को कम कर सकते हैं ट्रैक करके ही. सो देयर आर द टीज विच मेनी स्टेट गवर्नमेंट लाइक 3T वेर ऑलरेडी बींग देयर इन द न्यूज़. 5T वॉज बीन डिस्कस्ड बाय द दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टीज दे आर प्रेफरिंग, फाइन. नाउ मूविंग अहेड टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, कमांड टू द कॉन्फिडेंस. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर टू, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट. So the decision of expanding the nationwide lock, losing and opening the country again would be in a phased manner. So relaxation of the lockdown would again been seen ki how this is executed, kis tarah se cheeze kaam ko hame aage badhna hai, kitni lockdown ko release karni hai, kitne jagah ko kholna hai wapas. So adequate medical supplies,
personal protective equipments जिसको PPEV कहते हैं, दिस इज देयर इन द न्यूज बिकॉज दिस इज बीन रिक्वायर्ड बाय डॉक्टर. तो ये पूरा अपने आप एक तरह से प्रूफ करता है टू उसको किसी भी तरह से इन्फेक्शन ना फैल पाए. एंड टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज, जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हमारे पास अभी क्या है, उसकी स्टेटस, रियल टाइम स्टेटस क्या है, इसके साथ हमें काम करने की ज़रूरत है. और लॉकडाउन को तभी ईज किया जा सकता है, जगह से हटाया जा सकता है. मेनी स्टेट हैव बीन आर्ग्यूइंग दैट वी नीड टू एक्सटेंड द लॉकडाउन. तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, जो तेलंगाना है या फिर महाराष्ट्र है या फिर झारखंड है, ये सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी कहा है कि लॉकडाउन अभी नहीं खुलनी चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूड. उड़ीसा है, सो दीज स्टेट आर कंटिन्यूइंग, दे आर इन द फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग द लॉकडाउन. एंड स्टेट नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड टू पार्शली इमर्ज फ्रॉम द लॉकडाउन, बिकॉज अल्टीमेटली होगा क्या, अभी जितने लोग हैं, जो भी बाहर के लोग हैं, बेसिकली दे आर देयर इन द स्टेट. तो जो नेटिव स्टेट्स में लोग हैं, उनको वहाँ की जो राज्य सरकार है वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगी ताकि एग्जैक्टली स्टेटस क्या है. एंड देर वेर सफरिंग फ्रॉम द हार्डशिप एनालिस, स्पेशली फॉर द पुअर माइग्रेंट्स. द फर्स्ट फ्यू डेज वेर अगेन वेरी केओटिक एंड द लॉकडाउन कंटिन्यूड. लोगों को अपने वापस घर जाने के लिए भी बसेस नहीं मिल रही थी. सरकार ने फिर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने या फिर आसपास के जो स्टेट्स हैं, उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए और लोगों को वापस उनके विलेजेस में छोड़ा गया है, राइट. सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक भी केसेस रिपोर्ट ना हो. जो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जो टेस्टिंग चल रही है अभी इंडिया में उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ताकि जो लॉकडाउन का जो टाइम अगर आगे बढ़ता है तो उस टाइम में टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके. And lockdown is relatively easily to monitor or administer, ये बताई गई है इनके द्वारा. प्रभु प्रताप भानु मेहता है, इन्होंने, इनका कहना है कि जब हम लॉकडाउन पे रहते हैं, when any state or district is in the lockdown, so it is easily monitored and easily administered. तो फिर this is the preferable कि भाई आप lockdown को continue रखें. So let's see what government decide, क्योंकि 11th of April को meeting होनी है chief ministers के साथ कि इस पर क्या डिसीजन आता है और लॉकडाउन को कितना आगे बढ़ाया जाता है और कहाँ पे ईज डाउन किया जाता है. फाइन, नाउ मूविंग अहेड विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. तो आज के एमसीक्यूज में सिर्फ सवाल होंगे, जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन ऑफ एनवायरमेंट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन बस्टर्ड. सो दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द करेंट अफेयर सेक्शन एज वेल एज द शंकर आईएएस. बेसिकली शंकर आईएएस का जो एनवायरमेंट की बुक है वहाँ से चीज़ों को मैंने लिया है. So it is characterized as a critical endangered by the IUCN. The bird cannot fly due to its heavy weight and they are found in the arid and semi-arid grassland. So which among the following statement is correct? 1 and 2, 1 and 3, only 2 or 1, 2 and 3? So what you have to do? You have to write the correct answer in the comment section. Aur iske jo correct answer honge wo kal hum discuss karenge. So let's see how many of you get correct, jo correct answer aap mein se kitne log sahi bata paate hain usko. Now the second question is from the modern history. Which of the following were the revivalist in nature? Deoband movement, Prarthna Samaj and Aligarh movement. In this, kaun kaun se revivalist in nature hai? 1 and 2, 2 and 3, 1 or 1, 2 and 3. To iska answer bhi aap hame comment section mein bataye aur jo kal detail mein answer hai wo aapke sath discuss karunga, right? And you can also avail the benefits of 5 online mock and mock test jo ki current affair hai. Basically isko aap register karke benefit le sakte hain 5 open mock test ka. So do participate and get the benefit out of it and all the precaution that is needed for the coronavirus. So I request all my aspirants to take care of themselves. Koi bhi agar aapko symptoms ho to apne nearby hospital mein ja kar ke check karwaye aur apna pura precaution rakhe, right? And do not forget to like this video, subscribe our apt plus academy for civil services where we are doing our level best to provide you everything under the lockdown period, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं हो. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट PDFs और कंपाइलेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. सो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, यूट्यूब में आपको मिल जाएगी चैनल, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Stay home, stay safe. Thank you.